देश भर में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कहीं पर रंगों से तो कहीं फूलों की होली खेली गई। वहीं गुरुग्राम के अशोक गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार में आज सनातन राष्ट्रीय सनातन धर्म के पदाधिकारियों ने बड़ी धूमधाम से होली खेली। इस होली का मकसद था लोगों को जागरूक करना कि इस बार होली फूलों से खेले। लगातार कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद ना रहे। इसी पर उन लोगों से जब राष्ट्रीय सनातन धर्म के पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि आज होली का पर्व है, लेकिन हम लोगों ने होली सिर्फ एक टीके के साथ खेली है और फूलों से होली खेली है, क्योंकि आज लगातार जिस प्रकार कोविड के केस लगातार गुड़गांव में नहीं बल्कि देश भर में बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप प्लीज कृपया करके होली खेलें, परंतु सोशल डिस्टेंस के साथ खेलें। हो सके तो अपने घरों में रहकर अपने फैमिली के साथ खेलें, ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकलें। अगर कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस वक्त हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है। मेरा नाम मनीषा बिष्ट है और मैं राष्ट्रीय सनातन संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और पहले से भी भारतीय सैनिक बैंक से भी हूँ। और सभी हमारे यार साथी हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर हम होली का एक प्रोग्राम तो ना कहिए कि थोड़ा सा कि साथ में हम लोग बैठे हैं कि त्यौहार थोड़ा सा मना सके। और कोरोना का भी हमने सब लोगों ने मास्क पहना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि मास्क नहीं पहना हुआ है। मैं अपने सभी साथियों को, सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ और एक साथ में निवेदन और भी करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा कोरोना का ख्याल रखें। हम सब कोविड है और ये हम जैसा अपना ख्याल रखें ऐसे सबका ख्याल रखें और हमेशा और थोड़ा सा कलर में थोड़ा ध्यान रखें कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, क्योंकि जो ये कलर होते हैं केमिकल से युक्त कलर होते हैं, इससे इसकी खराबी हो सकती है। तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें और जितना हो सके अपने घर पर ही होली मनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सनातन संघ की। आपको आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष कुमार, वैसे मैं समाज सेवी हूँ परंतु मैं इस सनातन संघ में प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मैं अपनी बहनों से बेटियों से सबसे कहता हूँ, ये हमारी शक्तियाँ हैं और इनके बिगैर ये एक घर नहीं दो घरों को भी समाप्त किया, शक्ति का रूप है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे देश का उद्धार महिलाओं से ही होगा, क्योंकि ये बच्चों को भी पढ़ाती हैं, उनको अच्छी शिक्षा देती हैं। तो आदमी तो घर से बाहर जा करके अपने नौकरी में जीवन व्यापक के लिए पैसे खर्चा करने में लगा रहता है और औरत ही ऐसी है जो सारे परिवार को साथ लेके चलती है, दुख सुख अपना बर्दाश्त करके परिवार के दुख सुख में लगी रहती है। मैं तो कहूँ जहाँ महिला का सम्मान है वहाँ देश का सम्मान है। और तुम इस कोरोना से थोड़ा सा बचाव करो। मैं अभी एक दुखी घटना कल की बता रहा हूँ, हमारे साथ का अपने राजेंद्र खरतिया खरक से और पालम बिहार में रहे अर्जुन सिंह तंवर अपने मोदी जी की सपोर्टी में दिल्ली था, उसके कोरोना हुआ, हस्तपूट था, मिलिट्री से रिटायरमेंट होकर के उसमें था और उसके कोरोना हुआ, वो कल गुजर गया। तो इसलिए हमने तो छोटी सी हो रहा कि पदाधिकारियों की मीटिंग रखी है, कोई बड़ी हो रही थी इसी वजह से, और चलती दफे दो मिनट के लिए उसके लिए मौन धारण के लिए उनको आत्मा को शांति मिले उसके लिए करेंगे। राष्ट्रीय सनातन संघ के सभी पदाधिकारियों को नमस्कार कहता हूँ। साथ होली खेल कर काफी अच्छा लगा और मुझे काफी सम्मान दिया गया, बहुत अच्छा लगा। मनीष जी आप लोगों के पास आके एक अच्छा मिलन है हमारा सबका होली का, और मैं तो यही कहूँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ पूरे देश में खुशहाली से ये होली का त्यौहार मनाया जाए और सब ये आनंदपूर्वक रहे। श्री राम सभी को राष्ट्रीय सनातन संघ परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आज हम प्रदेश कार्यालय के हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा होली का एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं और इसी दौरान मैं अपने बड़े भाई विजय कुमार जी को प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मनोनीत करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।